Hi Sandeep, first of all, very congratulations for joining Biotech India. Sandeep, before we proceed for anything, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने जब Biotech India ज्वाइन किया, so how you came across this company और आपने कैसे इसमें ज्वाइनिंग आपको मिली? Firstly, thanks ma'am. And पहले तो मैंने टेकपाइल में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट ड्राइव कराए जाते हैं, तो मेरा कई जगह प्लेसमेंट लगा, फिर उसमें से एक कंपनी Biotech India भी थी जिसमें कि मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे राउंड के इंटरव्यू हुए, टेक्निकल इंटरव्यू हुए और मशीन टेस्ट भी हुए, जिसमें बहुत सौभाग्यपूर्ण था मेरा कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ। इसमें मेरे जो ट्रेनर थे उनकी बहुत ही सारी हेल्प मुझे मिली, जिसके लिए सबसे पहले मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा और बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस जॉब को लेकर मैं। डेफिनेटली संदीप, किसी की भी फर्स्ट जॉब होगी तो एक्साइटमेंट रहता है, बट एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है जब आपको एक अच्छी सिटी सी मिले। जैसे कि अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, जनरली 10,000-15,000 2 LPA 1.5 LPA की सिटी सी में भी स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मुझे 10,000 की नौकरी मिल गई है, बीइंग अ फ्रेशर एंड दैट टू बीइंग अ डेवलपर। बट यू रिसीव अ सिटी सी ऑफ 3.2, बिटवीन 3 to 4 आई गेस, राइट? सो इस सिटीसी को पाकर आपको कैसा लग रहा है? मैम, इस सिटीसी के पाकर के और फिर इस जॉब को पाकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा मैं करूँ कंपनी के लिए, ताकि मेरा ऐसा ही ग्रोथ आगे बढ़ता रहे और मेरे साथ साथ जिस कंपनी से मैंने सीखा हूँ ये चीजें उसका भी नाम बढ़ता रहे। फर्स्ट जॉब। वैसे तो जनरली अगर हम बात करें पूरे इंटायर बैच को भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिटीसी ही प्रोवाइड की गई है, बट डेफिनेटली अगर इंडिविजुअली बात करें तो सबके लिए एक अचीवमेंट है। सो आगे बढ़ती हूँ मैं, पहले तो मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो हमारे आने वाले बैचेस हैं उनको ये पता चले कि आपने जैसे बहुत सारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है थ्रू आउट लखनऊ, बहुत सारी कंपनी जो करा रही हैं, हाउ इट वाज डिफरेंट, टेकपाइल कैसे डिफरेंट था कंपेयर टू अदर कंपनीज, एंड आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? क्या आप बेसिकली ऐसा कराते हैं कि आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो आपको लगा कि अचीवमेंट हुआ? फर्स्टली अगर मैं टेकपाइल के बारे में बताना चाहूँ तो मैं 2021 में सबसे पहले मैंने समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 45 डेज का होता है, मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ पे मेरी कोडिंग लेवल जो थी बहुत ही वीक थी, जहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर 2 महीने में मैंने जो कुछ भी सीखा वो मेरे 2 साल डिप्लोमा लेवल में भी नहीं सीखा था। फिर मैंने 2 महीने बिता के फिर से अपने कॉलेज में गया, फिर से मुझे कुछ कॉलेज को कम्प्लीट करते करते मुझे लगा कि मेरा कुछ छूट रहा है टेक्नोलॉजी में, मैं उसे फिर से अपना अचीव करना चाहा कि कुछ मेरा छूट रहा है, मैं अब और भी अच्छा कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो फिर सुनने में आया कि 6 मंथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कराया जाता है टेकपाइल में, मैंने फिर से डेफिनेटली उसको और भी नॉलेज गेन करने के लिए मैंने ज्वाइन किया टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। फिर मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ब्रीफ में सीखने को मिला, जो कि आज मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा कामयाबी के रूप में मुझे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैं, आप जानते हो बीइंग अ डेवलपर या कोई भी आप फील्ड में जाते हो तो हम किसी भी काम को करते हैं तो हम उसकी आरएनडी करते हैं, तो आपको कैसे लगा कि ये दिस इज द बेस्ट चॉइस यू हैव डन सो फार? आपने कुछ कंपैरिजन किया, कहीं पता किया कि आपकी जो चॉइस थी वो बेस्ट थी, और आपको कहीं पे ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कोई गलती करी या कुछ ऐसा हो गया कि नहीं मैं और अच्छा सीख सकता था, कुछ ऐसा तो कभी नहीं लगा आपको? नो मैम, ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे जो कुछ भी सिखाया गया एकदम जीरो लेवल से सिखाया गया मुझे, मतलब ये फील नहीं हुआ कि मगर कोई भी स्टूडेंट हो, बहुत हायर एजुकेशन से हो, बीटेक से हो, डिप्लोमा से हो, कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं स्टार्टिंग से, मुझे बहुत ही स्टार्टिंग से ब्रीफ में सारी चीज़ें डिटेल में कराया गया, ताकि कंफ्यूजन भी जहाँ चीज़ आते थे तो कंफ्यूज नहीं होना देता था। जो सर गाइड कर रहे थे या मैम गाइड कर रही थी उनकी गाइडेंस इतनी अच्छी थी जिससे कि मुझे कहीं भी प्रॉब्लम फील ही नहीं हुआ। जब भी प्रॉब्लम फील हुआ तो 24 आवर्स आपके लिए वो इतने अच्छे स्ट्रिक्टली मेहनत कर रहे थे कि कभी भी फील ही नहीं हुआ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, प्रॉब्लम को फेस करना, कैसे फेस करना है, कैसे आपको हार्ड वर्क करना है, ये चीज मुझे टेकपाइल से बहुत अच्छा सीखने को मिला। ओके, ग्रेट। सो जैसे कि दिस इज अ वेल नोन प्रोवर्ब, हम लोग अब तक ये सुनते आए हैं कि डिप्लोमा के बच्चे झुंड में चलते हैं, हम ग्रुप्स में ही चलते हैं, अगर एक बच्चा आ गया जो हम लोग का एक मोटिव हमेशा से रहा तो बैच आ जाएगा और वो बैच हमारे साथ हमको कॉन्कर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे आपके साथ यहाँ पे आएंगे, तो क्या आप ये बताओगे कि ऑलमोस्ट आपके बैच में कितने बच्चे आपके साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें कितनों का सिलेक्शन हुआ है, आप कैसे अपने आप को ब्लेस समझते हो यहाँ पे आने के? यस मैम, मेरे कॉलेज से तो अगर बताना चाहूँ तो 30+ स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जिसमें 20+ स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनका इंटरव्यू लगा हुआ है। 2-4 रोज में वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्द, मैं चाहूंगा, भगवान से कामना भी करता हूँ बहुत जल्द सेलेक्ट हो जाए सारे बच्चे।
ओके ग्रेट। सो संदीप, ये तो हो गया कि आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ, व्हाट इज आपने अब तक सो फार आपकी जर्नी कैसे रही। आप थोड़ा सा ये बताओ ना कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, लाइक जनरली आपने कहाँ से स्टार्ट किया एंड अभी कहाँ पे हो, कितना आपने टेक्निकली गेन किया, आज कैसे टेकपाइल प्ले द मेजर रोल जो आपकी टेक्निकल स्किल्स थी उसको एनहांस करने में। यस मैम, बेसिकली मैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई से डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर क्रॉस करके मैंने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम टेकपाइल में ज्वाइन किया। बहुत कुछ तो मैंने समर ट्रेनिंग से सीख के गया था यहाँ पे, फिर से मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ चीज़ों को ब्रीफ में कराया गया जिससे कि मेरा टेक्निकल नॉलेज बहुत ही ब्रीफ कहा जाए, मतलब जिस लेवल पे फ्रेशर लेवल पे बहुत ही अच्छा सिखाया गया, ताकि ऐसा फील ही नहीं होता कि किसी कंपनी में इंटरव्यू दो और आपको सेलेक्ट ना हो पाओ, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। मैंने एक्चुअली बताया जाए कि मैंने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, आज मैं तीनों कंपनी में सेलेक्ट हुआ और मुझे ये चीज़ चॉइस करना पड़ा कि मैं इस कंपनी को सेलेक्ट करूँ, तो फिर इसलिए मुझे बहुत बेस्ट कंपनी लग रही है, ताकि एक बार भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं, लेकिन इतनी ब्रीफ में चीज़ें पढ़ाई जाती है कि कोई चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ें समझने इतनी अच्छी समझाई जाती है कि आप खुद बोल सकते हैं कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है, इंटरव्यूअर क्या चाहता है। हमारा मोटिव भी यही रहता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ हम टॉपर्स को ही टारगेट नहीं करते, वी आर टारगेटिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे एम्बेसडर्स हैं एंड वी वॉन्ट देम टू ग्रो वेल। थैंक यू सो मच संदीप, इट वॉज रियली नाइस स्पीकिंग टू यू। Have a and I wish lots of success in future for your future. Thank you so much, man. You're welcome.